बॉलीवुड की हसीन और हिट एक्ट्रेस की जब भी बात होगी तो उसमें नरगिस दत्त का नाम भी शामिल रहेगा। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका फिल्मी सफर भले ही कम रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने इस छोटे से सफर में दमदार एक्टिंग कर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली नरगिस को 1940 से 1960 के दशक की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस भी कहा जाता था, लेकिन वो कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। अपनी माँ के कहने पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। तो चलिए आज नरगिस दत्त की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। नरगिस का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1 जून 1929 को हुआ था, और बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम कनीजा फातिमा राशिद था, और वो एक तवायफ के घर जन्मी हिंदू मुस्लिम की संतान थी। उनकी माँ जद्दन बाइन एक तवायफ थी। उनके 3 बच्चे थे और तीनों के ही पिता अलग अलग थे। इनमें नरगिस एक हिंदू पिता की संतान थी और उन्होंने ही जद्दन बाई से शादी की थी। जद्दन की माँ यानी नरगिस की नानी एक ब्राह्मण विधवा थी। जद्दन का गाया हुआ गाना लागत कजेरवा में चोट आज भी लोग दिल थाम कर सुनते हैं। अपने जमाने की बेहद खूबसूरत जद्दन की महफिल बनारस में चौक थाने के पास अपनी सजती थी। जद्दन बाई ने संगीत की शिक्षा दरगाही मिश्र और उनके सारंगी वादक बेटे गोवर्धन मिश्रा से ग्रहण की थी, लेकिन उनकी बेटी नरगिस कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी और देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की इच्छा के चलते उन्हें फिल्मों में आना पड़ा। दरअसल जद्दन बाई के गीत संगीत और फिल्मों में रुचि के कारण उनके घर में फिल्मकारों का आना जाना लगा रहता था। नरगिस खेलों का शौक भी रखती थी और बचपन से वो अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद करती थी। लेकिन माँ के कहने पर वो एक दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म निर्माता एवं निर्देशक महबूब खान के पास गईं। हालांकि वो चाहती थीं कि स्क्रीन टेस्ट में वो फेल हो जाएं, लेकिन महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म तकदीर के लिए चुन लिया। एक के बाद एक महबूब खान की फिल्मों में उन्होंने काम किया और बन गईं फेमस अभिनेत्री। नरगिस की जोड़ी राज कपूर के साथ खूब पसंद की गई। फिल्मों के साथ साथ असल जिंदगी में भी दोनों की अच्छी केमिस्ट्री थी। आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी पहली फिल्म में राज कपूर और नरगिस थे। फिल्म का नाम था आग। इसके बाद दोनों ने साथ में 16 फिल्में की। 9 सालों तक पर्दे पर राज नरगिस की जोड़ी हिट बनी रही। कहा जाता है कि नरगिस राज कपूर से बहुत प्यार करती थी। इससे जुड़ा उनका एक वाक्य भी है। दरअसल आवारा फिल्म की शूटिंग के दौरान एक गाने को फिल्माने के लिए ही राज कपूर ने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, जबकि पूरी फिल्म पर तब तक 12 लाख रुपए खर्च हो गए थे। इस वजह से फिल्म ओवर बजट हो गई। उस समय नरगिस ने अपने गहने बेचकर राज कपूर की मदद की थी। वो राज कपूर के लिए प्यार ही था कि फिल्म को सफल बनाने के लिए नरगिस ने उस जमाने में स्विमिंग सूट पहनी थी, और फिल्म रूस, चीन और अफ्रीकी देशों में भी फिल्म खूब चली। नरगिस राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर इसके सख्त खिलाफ थे। नरगिस और राज कपूर के बीच इतनी मोहब्बत थी कि नरगिस महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई से इसलिए मिलने चली गई थी ताकि राज कपूर से शादी का कोई कानूनी रास्ता निकल सके। हालांकि मोरारजी देसाई ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें समझाया कि वो ऐसा ना करें। राज कपूर ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा और नरगिस उनसे दूर हो गईं। फिर उनकी जिंदगी में सुनील दत्त आए। सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम करते थे। तब वो एक्टिंग से कोसों दूर थे, लेकिन यहीं पर उनका नरगिस से पहली बार मिलना हुआ। उन्हें रेडियो पर नरगिस का इंटरव्यू लेना था। तब तक वो बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए।
उनकी नौकरी उस समय जाते जाते बची। उसके बाद ही उन्होंने फिल्मों में ट्राई करने का सोचा और वो पहुंचे माया नगरी। दूसरी बार नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात बिमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन के सेट पर हुई। नरगिस वहां बिमल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब सेट पर अचानक से आग लग गई तो उस आग में नरगिस फंस गई थी, तो सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए सुनील दत्त ने उन्हें बचाया था। यहीं से दोनों करीब आए। फिर सुनील दत्त की बहन बीमार हुई तो नरगिस ने उनका इलाज करवाया, क्योंकि सुनील दत्त नए थे और उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस प्यार बढ़ता गया और दोनों ने 1958 में शादी कर ली। इस शादी से पहले नरगिस ने अपना धर्म बदल लिया था। सुनील दत्त और नरगिस से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि जब भी सुनील बाहर जाते थे तो नरगिस के लिए साड़ियां जरूर लाते थे, लेकिन नरगिस ने सुनील की दी हुई एक भी साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि सुनील की लाई हुई साड़ी उन्हें जचती नहीं थी। हालांकि दोनों में बहुत प्यार था, दोनों हर पार्टी में एक दूसरे का हाथ थामे हुए दिखते थे। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने 1967 में फिल्म रात दिन में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला और जो राज्यसभा सदस्य बनी। नरगिस कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो गई थी। उनकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर ने सुनील दत्त को सलाह भी दी थी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दें और चैन से मरने दें, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो आखिरी पल तक उनके साथ रहे। कैंसर से जूझ रही नरगिस 3 मई 1981 दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गई। नरगिस की याद में 1982 में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन बना। कहा जाता है कि नरगिस की मौत पर संजय दत्त रोए नहीं थे, उस समय वो उस हालत में ही नहीं थे, और मां की मौत के करीब 2 साल बाद वो फूट फूट कर रोए। नरगिस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो एक ऐसा नाम थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।